गौरव घाट का जंगल काफी मजेदार है और ट्रैकिंग करने से हम पूरे जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो ब्रिज वगैरह बने हुए हैं, कहाँ कहाँ झरने हैं और काफ़ी शानदार मज़ा आ रहा है। और अभी हम चल ही रहे हैं, हमने रेलवे की ट्रैक पकड़ ली तो इसी पे पैदल जाते जाते अभी हम गौरव घाट पहुँचेंगे आगे। और आपको कैसा लग रहा है आप भी ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो में। ये देखिए क्या शानदार सीन आया, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में पहाड़ को काट के रेलवे ट्रैक बनाई गई है। दोस्तों ट्रैक करते करते हम बहुत आगे आ गए हैं और ये देखिए आप, यहाँ पर एक ब्रिज भी आया है छोटा, और इसके आगे एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले इस ब्रिज को एक बार क्रॉस कर लेते हैं, फिर ट्रैकिंग की जो हमारी जो सेकेंड टनल है वो आ चुकी है, ये देखिए। और इस टनल की सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर ही टर्न है तो इसमें पूरा अंधेरा ही रहेगा आगे तक। दोस्तों हम ट्रैक करते करते यहाँ अभी हमें आगे बंदर वगैरह भी मिलेंगे, तो हम बंदर के लिए कुछ टोस और बिस्किट भी लेके आए हैं। मैंने कहा हम तो जा ही रहे हैं, आज बंदरों को भी कुछ नाश्ता वगैरह करवा लेते हैं जंगल में, उनको इतना वो टोस बिस्किट खाने की यहाँ मिलता नहीं है, तो हम ज़रूर उनके लिए लेके आएँ। और ये हम सेकेंड टनल के बाहर खड़े हैं यहाँ पर, और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये टनल बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस टनल के अंदर टर्न है तो इसमें उजाला वगैरह हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और आपको कैसा लग रहा है जो बताना वीडियो में। ये देखिए पूरा अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो अभी चलते हैं अंदर। दोस्तों ये जो ट्रैकिंग में जो टनल दो आती है, तो फर्स्ट टनल है वो तो बहुत ही, इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, बाकी इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा टर्न वगैरह तो अंधेरा ही अंधेरा है अंदर, और पानी भी ऊपर से गिर रहा है। काफ़ी शानदार मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए हमारे जो साथ में, उन्होंने टॉर्च वगैरह भी ऑन कर लिए क्योंकि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये देखो पानी हर तरफ से ऊपर से गिर रहा है, ये देखिए आप पूरा पानी पानी हो रहा है। दोस्तों ये देखिए टनल में अभी हमें बहुत सारी चमगादड़ मिली है जो कि उल्टी टनल के ऊपर ही लटक रही है, और ये अभी बहुत सारी थी जो अभी उड़ के गई है, और ये देखिए ये पूरी उल्टी लटकी हुई है यहाँ पे, और ये टनल के जस्ट बीच में है। हम जब आए थे तो इन्होंने ज़ोर से आवाज़ की, हम भी डर गए थे एक बार, और अभी चलिए चलते हैं आगे। चलिए जी हमारी टनल क्रॉस हो चुकी है, हमने क्रॉस कर ली और बीच में हमें चमगादड़ वगैरह भी मिले थे, उन्होंने एकदम से आवाज़ करी और मैंने जैसे ही वीडियो ऑन किया तो वो उड़ने लगी। अभी जस्ट ये देखिए आप मेरे पीछे, हमने टनल क्रॉस कर ली है और काफ़ी मज़ा आया अंदर। टर्न वगैरह है तो काफ़ी अंधेरा था तो हमने फ्लैश लाइट ऑन कर दी थी, और अभी हम आगे हैं बाहर और अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया हमारा सेकंड ब्रिज जो कि काफ़ी बड़ा है, अब इसको क्रॉस कर लेते हैं यहाँ से। पेड़ पौधे भी यहाँ से बहुत नीचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मंदिर है वो भी यहाँ से अभी हमें दिख रहा है, वो जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है गौरव घाट का वो ऊपर है, और जो रेलवे स्टेशन है वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए ये रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से भी चढ़ाई होती है और एक दूसरा रास्ता भी है, तो देखते हैं कि कहाँ से हम यहाँ अभी ऊपर चढ़ते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम फाइनली जोग मंडी पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट जो पैलेस है वो है जोग मंडी। ये आप देखिए जोग मंडी, अभी ट्रैकिंग करते करते थक गए हैं तो चिप्स वगैरह हम लेके आए थे, तो यहाँ खा लेते हैं और कुछ बॉडी को एनर्जी दे देते हैं यहाँ पे बैठ के। और हम साथ में कुछ ये लस्सी वगैरह भी लेके आए थे जो कि ले लेते हैं, और पानी की बोतल वगैरह, क्योंकि यहाँ पानी वगैरह की दिक्कत रहती है।
अभी हमने ट्रैकिंग वगैरह हमारी गोरम घाट तक की हो गई है। अभी यहाँ से हम जो नीचे झरने वगैरह हैं उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वापस जो रवाना होते हैं तो ट्रेन से होते हैं या देख लेते हैं जो भी सीन बैठेगा। और अभी हम यहाँ से जोग मंडी का जो झरना है यहाँ का जो सबसे फेमस, वहाँ पर अभी हम नीचे उतरेंगे और देखते हैं कि वहाँ अपने को झरना कितना शानदार मिलता है देखने का। तो अभी ये जोग मंडी से जो जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से हम अभी नीचे उतर रहे हैं। ऊपर चढ़ के आ गए और अभी झरने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी चलते हैं झरने की तरफ और गोरम घाट का झरना एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी चढ़ाई थी, सांस चढ़ने लग जाती है, पर आगे चल के अपना बॉडी में वापस एनर्जी आ जाएगी सीन देख के। यहाँ आग जलाना व कचरा फैलाना कानूनी जुर्म है और वैसे इन जगहों पे कचरा अपने को फैलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी जगह नेचुरल है। अपन इन अगर यहाँ पर कचरा वगैरह डालेंगे तो यही होगा कि अपन अपने घर में डाल रहे हैं, ताकि अपने सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए जोग मंडी वाटरफॉल, और ये देख सकते हैं आप यहाँ वाटर। चलिए जी, फाइनली पहुँच चुके हैं गोरम घाट का जो वाटरफॉल है। यहाँ टोटल 3 झरने बहते हैं पर बारिश की वजह से अभी 2 ही चल रहे हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है, पानी इतना क्लियर है, दूध का वाटरफॉल है, काफ़ी सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, अभी इस प्यारी सी जगह को अलविदा करने का टाइम आ गया है और अभी हम यहाँ से जाएंगे जो गोरम घाट का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ उसकी तरफ, और देखते हैं कि वहाँ अपने को और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। अभी हम वापस जोग मंडी उस तरफ रह गया, गोरम घाट का जो वाटरफॉल है वो, और अभी हम गोरम घाट का जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने को बीच में ये पानी वगैरह देखने को मिल रहा है, बारिश कम होने की वजह से पानी भी कम है। ये पूरा जंगल है गोरम घाट का, यहाँ आपको बंदर वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। ये देखिए, और ये पानी, दोस्तों अभी हमने इनको टॉस वगैरह खिला दिए हैं और ये देखिए आप ये टॉस वगैरह खा रहे हैं और ये साथ में छोटा बच्चा भी है इनका बंदर का। और ये देखो, इनको सबको टॉस दे दिए तो ये लेके चले गए और ये ऐसे भाग के आए, हम पर हमला कर दिया था इन्होंने, हम भी फटाफट वहाँ से हट गए थे। ये देखिए बहुत सारे बंदर ही बंदर है यहाँ पर,
और कुछ तो वहाँ पेड़ पे चढ़े हुए हैं, ये देखो टॉर्च लेके चले गए हैं वहाँ पे, ये देखिए। दोस्तों अभी हम हैं गोरम घाट के रेलवे स्टेशन पर और अभी यहाँ थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, फिर उसके बाद हम वापस अभी घर के लिए निकलेंगे। और गोरम घाट के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ तो गोरम घाट राजस्थान का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है और राजस्थान में गोरम घाट को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जंगल है ये। और इसी जंगल में इसी हिल स्टेशन को सबसे अच्छा बनाने के लिए यहाँ जो सबसे अच्छा सीन है वो है यहाँ का वाटरफॉल, और उसके बाद में सबसे अच्छा यहाँ का जो सीन है वो रहेगा कि आपको यहाँ ट्रेन द्वारा अगर आप आते हैं तो आपको जो नेचर की जो ब्यूटी है वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। और काफ़ी मज़ा आया मुझे भी यहाँ आके। और अभी यहाँ जो गोरम घाट का जो ये जंगल है काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर, तो हम सुबह घर से निकले तो हम ट्रैकिंग करते हुए आ गए थे गोरम घाट, जो कि लगभग हमारी ट्रैकिंग रही थी 7-8 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अभी जो ट्रेन है अभी लगभग 2 बजे यहाँ ट्रेन आएगी गोरम घाट, कार या उससे भी आते तो आपको काफ़ी शानदार यहाँ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये अपने गोरम घाट का श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये वहाँ पे आप ट्रैक करके ये पूरी पहाड़ी आपको 2 घंटे लगेंगे चढ़ने के लिए। और ये अपना यहाँ का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन रुकती है और आप यहीं से उतर के आपको ट्रेन का टाइमिंग ऐसा रहता है कि आप 3 घंटे यहाँ जंगल में घूम फिर सकते हो। तो चलिए अभी ट्रेन आती है तो फिर उसके बाद बैठ के चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अभी गोरम घाट के रेलवे स्टेशन पर सो रहा हूँ और लगभग अभी ट्रेन आने में थोड़ा समय और बचा है, तो क्यों ना यहाँ नेचर की वादियों में बैठ के थोड़ा रेस्ट किया जाए। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और अभी लगभग थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी तो यहाँ से बैठ के हम घर के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन अभी जस्ट रवाना हो गई है यहाँ से। काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रेन में और हमने टिकट वगैरह भी नहीं लिया है फिलहाल, तो देख लेंगे अगर टीटी आएगा तो हम देखते हैं टिकट के लिए।
चल चुकी है और अभी चल रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी सुकून भरा है ट्रेन का सफर। एक बार आप आए तो ट्रेन से भी जरूर विजिट करें। और साउंड को थोड़ा इग्नोर करना ट्रेन से, उसकी वजह से साउंड बहुत बढ़िया आ रहा है। दोस्तों हमने सुबह अपना ट्रैकिंग का सफर यहीं से जारी किया था, आप देख सकते हैं। अब ये ट्रेन आगे खामली घाट की तरफ जाएगी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे ट्रेन देख सकते हैं। इसी से हम जस्ट गोरम घाट से यहाँ पहुंच चुके हैं खामली घाट रेलवे स्टेशन। और जब भी आपका गोरम घाट का टूर बनता है तो आपको ट्रेन यहीं से मिलेगी। आप यहाँ से ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं और अपना जो गोरम घाट जो हिल स्टेशन है राजस्थान का सबसे बड़ा, वहाँ आराम से आप आनंद लेके आ सकते हैं ज़िंदगी के। और काफ़ी अच्छा लगा, हम भी घूम के आ गए हैं और अभी वापस घर के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।